देखिए दोस्तों, गीता जी जो है अभी सफाई कर रही हैं और संडे का दिन है तो अभी तक सब सोए हुए हैं, तो गीता जी सब सफाई कर रही हैं, झाड़ू उड़ू लगा रही हैं, मैं खुद ही कर रही हैं, बाकी लोग कोई करता नहीं है, करता है कभी कभी, बाकी सब अभी सोए हुए हैं। बाकी बाहर का झाड़ू जो है गीता ही मारती हैं रोज़, तो सफाई कर रही हैं। अब पीयूष उधर खड़ा है, पीयूष खड़ा कर देख रहा है, गीता जी सफाई भी कर रही हैं, धो भी रही हैं। और ये मंगड़ू आ रहे हैं, मंगड़ू उधर से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से सवेरे। ये भी हमारे साथ ही रहते हैं यहीं पे, मगर ये अपने जनानी से कभी नहीं कहते हैं कि सफाई सफाई करो। और गीता जी लगी हुई हैं, सफाई कर रही हैं, सुबह से सब झाड़ू वाड़ू मार रही हैं, सफाई कर रही हैं। तो दिन का शुरुआत हो चुका है, बाकी दोस्तों आगे आपको दिखाऊंगा। अभी घर का काम ख़त्म करके बच्चे जिद कर रहे थे कि मम्मी आज संडे है तो आज हम पार्क घूमने जाएंगे, तो अभी हम पार्क पहुंच गए हैं और पार्क के बाहर देखिए नज़ारा। ये पार्क का एंट्री गेट है, ये जलंधर का प्रसिद्ध जो वेरका डायरी है उसका पार्क है यहाँ पे। वहाँ पे जो भी मतलब मटेरियल, आइसक्रीम, खीर वगैरह जो भी मटेरियल दूध का बनता है यहाँ पे उसका शॉप है, साथ में ही फैक्ट्री है, तो जो डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदना चाहें यहाँ के ख़रीदते हैं। साथ में ही यहाँ पे फ्रेश अप होने के लिए बहुत अच्छी पार्क बना हुआ है, बैठने के लिए जगह बनी हुई है बहुत सुंदर, और देखिए तरह तरह के फूल लगे हैं, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है और खूबसूरत पार्क बना दिए गए हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और ये सामने उसका जो है शॉप है जहाँ से आप दूध से बने हुए कोई भी मटेरियल यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो अभी बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें वेरका वाले पार्क में जाना है, तो अभी हम पार्क में पहुँच गए हैं और सुग्रीम जी भी लेकर आए हैं बच्चों को पार्क घुमाने। तो बच्चे अभी सबसे पहले अपने फेवरेट झूले में बैठेंगे, जहाँ पे जब भी हम आते हैं तो बच्चे इसी झूले पर बैठते हैं, तो अभी बच्चे बैठ गए हैं झूले पर और अपनी अपनी सीट ले ली है इन्होंने। पीयूष बैठ गया है, उसके पापा बोले कि ठीक से बैठो, गिर मत जाना। तो आज दीपिका यहाँ इस पार्क में पहली बार आई है, पहले जब पीयूष और नैना थे तो दोनों को लेकर आते थे हमेशा ही, रेगुलर जब भी टाइम मिलता था इन दोनों को लेकर आते थे पार्क। और आज इस पार्क में दीपिका पहली बार आई है और सुग्रीम जी भी बच्चों को झूला झूला रहे हैं, तो पीयूष तो बहुत ही खुश है इस पार्क में आके। देखे दीपिका कैसे पहली बार झूला झूल के डर नहीं रही है, अच्छा लग रहा है उसको भी नैना की गोदी में बैठ के। अभी सुग्रीम जी झूला झूला रहे हैं इनको। और ये देखिए पार्क में तरह तरह के फूल लगाए गए हैं, अभी आगे से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, पेड़ पौधे लग गए नए नए, फूल सब कुछ नया। ये देखिए सुग्रीम जी आपको पौधे दिखा रहे हैं, इनकी जो फैक्ट्री है सुग्रीम जी की इस वेरका पार्क के नज़दीक ही है, बस 5-10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो ये देखिए अभी आपको तरह तरह के फूल दिखा रहे हैं और साथ में ही बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए झूले से। तो पीयूष अभी बड़े झूले में झूलने जा रहा है और ये झूला चेक कर रहे हैं। अभी बाकी बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ आ गए हैं पार्क में घूमने, तो अभी इस झूले में दूसरे बच्चे बैठ गए हैं और ये देखिए पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं बच्चे, और नैना दूसरे झूले में चली गई है और दीपिका देखिए सुग्रीम जी की गोदी में बैठ गोदी में है और खेल रही है मोबाइल से खेल रही है। और देखिए आसपास का नज़ारा, अभी सूखे पत्ते झड़ गए हैं दरख्त से तो वो गिरे हुए हैं, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं यहाँ के वो सफाई करते जाते हैं। ये देखिए फलों के पेड़ भी लगे हुए हैं साथ में, ये सबसे बड़ा पेड़ जामुन का है यहाँ पे। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये पेड़ देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर देखिए गमलों की कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है दीवार पे गमले लगा के तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं,
अभी मैं आपको यहाँ नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए रंग बिरंगे गमले कितनी अच्छी लग रही है दीवार। और ये देखिए जामुन, कुछ देखने गया है, कुछ गमले गिन रहा है कि कितने गमले हैं दीवार पे। अभी नैना भी आ गई है, नैना भी देख रही है कि कितने दीवार हैं, बता रही है, गिन रहे हैं बच्चे कि एक दीवार में कितने गमले लगाए गए हैं, कौन कौन सा पौधा है, कितने रंगों के गमले हैं, ये सारे बच्चे देख रहे हैं। और इधर देखिए कितनी अच्छी दीवार की गई है, पौधों से कटिंग की हुई है इनकी। तो सुप्रीम जी दीपिका को खिला रहे हैं, तो खेल रही है, आज रो भी नहीं रही है, उसे अच्छा लग रहा है पार्क में आके। और ये देखिए कितनी अच्छी पौधों की हरियाली है यहाँ पे, जो घेरा है पौधों का, बाड़ वाला पौधा है ये। और ये है यहाँ पे आराम करने के लिए, आराम से बैठ के यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह कोई भी जो मिल्क प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री का, आप यहाँ से ले कर आराम से बैठ के चिल आउट कर सकते हैं। और अभी दीपिका को घुमा रहे इसके पापा। और ये देखिए फूल का रंग कितना अच्छा है, पर्पल कलर का फूल। तो दीपिका फूल को छू कर देख रही है अभी, ये देखिए छू के देखती है, तोड़ती नहीं उसे। तो अभी हम इसे दूसरी जगह घुमाने लेकर जा रहे हैं। और ये साथ में डस्टबिन पड़े हुए हैं, जैसे कांच वाले के लिए अलग है, प्लास्टिक वाले के लिए अलग, अलग अलग डस्टबिन है, सूखे और जो गीले प्रोडक्ट हैं उनके लिए अलग अलग डस्टबिन रखे गए हैं यहाँ पे जगह जगह पर। पर कुछ आते हैं लोग जो सफाई का ध्यान ही रखते हैं, देखिए खा पी के वैसे ही फेंक कर चले गए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो वर्कर लगे हैं बेचारे झाड़ू मार के सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को घुमाने लेकर आए हैं, शाम के समय झूला झूला रहे हैं, खिला रहे हैं, ध्यान रखें बच्चों को। ये देखिए और ये देखिए पार्क कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे साइड पे। और ये वेरका का आउटलेट, अभी जाएंगे कुछ समय बाद हम भी यहाँ से आइसक्रीम लेके बच्चों को खिलाएंगे। बाकी ये बाहर हाईवे है और ये फ्लाईओवर है। अभी आप देख पा रहे हैं वेरका का आउटलेट। और ये देखिए कितने अच्छे रंग बिरंगे लाल हरे सिर्फ पौधे हैं, ये पत्ते हैं। और पीयूष आ गया है, ये आया है आइसक्रीम की डिमांड करने के लिए। तो अभी इसने खेल लिया है, झूले झूल लिए हैं, तो अभी उसका कहना है कि मम्मी चलो आइसक्रीम दिलवाओ। और ये वर्कर हैं सफाई कर रहे हैं पार्क की। और देखिए पार्क का बाकी नज़ारा कितनी अच्छी हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा, रंग बिरंग के पौधे। नैना भी आ गई है, आइसक्रीम खाने की तैयारी होगी यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने पीयूष के साथ, तो जो भी इन्हें पसंद आएगा आइसक्रीम लेकर देंगे। स्पेशली ये यहाँ पर आए ही हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तीन चार दिन से लगातार ज़िद कर रहे हैं, देखिए चलो पार्क चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं पर आते यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम खानी होती है। तो ये देखिए वेरका के प्रोडक्ट। और अभी हम काउंटर पे पहुँच गए हैं, और जो भी इन्होंने आइसक्रीम खानी थी वो यहाँ पर बता दिया गया है, तो अभी वो ला के दे रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े फ्रिज रखे हुए अंदर, और भी यहाँ पे दही खीर रसगुल्ले घी पंजीरी वगैरह हर एक प्रोडक्ट जो भी है मिलता है। अभी हमने आइसक्रीम खा ली है, और ये देखिए अभी पीयूष खा रहा है, नैना भी खा रही है। और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो कांच के लिए अलग है, अलग अलग सामान के लिए अलग अलग डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पर कलरफुल। तो अभी हम देखने जा रहे हैं फुहारा। पहले यहाँ पर शाम के वक्त जो है चलता था ये फुहारा, अभी यहाँ पे पानी कम है, पानी जमा नहीं किया हुआ है, पानी भरेंगे और गंदा भी है अभी, तो इसकी सफाई की जाएगी उसके बाद इसे चलाएंगे। जब ये चलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। और बाकी टाइम बहुत हो गया था, तो आइसक्रीम खाने के बाद अभी हम सोच रहे हैं कि घर वापस चलें, तो अभी हम बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीयूष ने भी अपनी आइसक्रीम ख़त्म नहीं की है, धीरे धीरे खा रहा है वो। और सुप्रीम जी दीपिका को लेकर पहले ही चले गए हैं बाहर, और अभी ये खा रहे हैं आइसक्रीम। तो खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं बाहर। और ये देखिए सफाई कर्मचारी। और ये पार्क का बाकी हिस्सा,
उसके दूसरे साइड फैक्ट्री है। अभी हम जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे सामान लेने के लिए। अब धीरे धीरे यहाँ पे सारे पत्तों की सफाई की जाएगी। हवा से सूखे पत्ते गिरते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है गंदा, बाकी यहाँ पे रेगुलर सफाई रहती है। अभी हम गेट से बाहर आ गए हैं और पीयूष के पापा की वेट कर रहे हैं कि कब वो आए। वो वहाँ पे खड़े हैं किनारे पे, दीपिका को लेकर किसी की अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए। तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, जो भी फ्रेश होता है, दूध हो या कुछ भी हो, घी मक्खन सारा डायरेक्ट वो बेरका के आउटलेट से लेकर जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और ये हमारे आगे एक घर का रास्ता है। ये देखिए अभी पंजाब की सड़कें कितनी अच्छी बन गई हैं, साफ़ सुथरे, हरियाली। और ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर हम कभी कभी आते हैं मत्था टेकने जब भी मौका मिलता है। ये देखिए कितना सुंदर शहर है। कई कई जगह होती है जहाँ पे गंदगी मिलेगी, पर अभी ज़्यादातर यहाँ पे सफाई है। नई नई दुकानें खुल गई हैं, घर बन गए हैं, तो अभी ये बिल्कुल एडवांस हो गया शहर की तरह। धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी खाली प्लॉट हैं सभी पे कुछ पे दुकानें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे रात को इतना आदमी आराम से आ जा सकते हैं। पहले जैसे खेत खेत होते तो डर रहता था, पर अभी सब कुछ अच्छा हो गया है। ये देखिए कितने बड़े बड़े घर बन गए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हमेशा चहल पहल रहती है, रोड ये चलता रहता है। सुबह और शाम के समय यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो आज संडे है तो इतना ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जो ड्यूटी वाले वर्कर्स हैं उनकी छुट्टी है, ऑफिस वर्कर्स की छुट्टी है, फैक्ट्री वाले वर्कर्स की छुट्टी है, तो इतना ट्रैफिक नहीं है इस समय। नहीं तो इस समय अगर बाकी दिनों में वीक डेज़ में आप जाएंगे तो सुबह शाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है। मुश्किल से घर पहुँचने के लिए आधा घंटा 45 मिनट लग ही जाते हैं, इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे कई बार। अभी कुछ ही समय में हम घर पहुंच जाएंगे। और देखिए अभी यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, हर एक चीज़ की दुकानें हैं यहाँ पे, सलून, बेकरी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, क्लोथ्स, हर एक चीज़ आपको, कन्फेक्ट्स और जो भी स्टेशनरी का सामान हो गया, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। रियल स्टेट की जगह जगह पे ऑफिस हैं। तो अभी हम कुछ ही समय में घर पहुंच जाएंगे।
बच्चे आज बहुत खुश है क्योंकि वो कम से कम 5-6 महीने बाद पार्क जा रहे थे। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशी से ही हमें भी खुशी मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये आज का छोटा सा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। हेलो।